मुंबई की एक अदालत ने ड्रग्स रैकेट मामले में बॉलीवुड की पूर्व अभिनेत्री ममता कुलकर्णी की 20 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। साल 2016 में ठाणे पुलिस ने कई करोड़ रुपए का कारोबार करने वाले एक मादक पदार्थ गिरोह का पर्दाफाश किया था, जिसमें मुख्य आरोपियों में ममता कुलकर्णी का नाम शामिल था। एनडीपीएस की विशेष अदालत के न्यायाधीश HM पटवर्धन ने मादक पदार्थ गिरोह मामले में ममता कुलकर्णी के हाजिर नहीं होने के बाद पिछले सप्ताह अभिनेत्री के मुंबई के अलग अलग इलाकों में बने 3 आलीशान फ्लैट्स को कुर्क करने के आदेश दिए थे। ममता के इन 3 आलीशान फ्लैट्स की कीमत करीब 20 करोड़ रुपए बताई गई है। विशेष लोक अभियोजक शिशिर हरेर ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से अपील किए जाने के बाद अदालत ने कुलकर्णी की इन 3 संपत्तियों को कुर्क करने के निर्देश दिए। अदालत ने 2000 करोड़ रुपए के मादक पदार्थ से जुड़े मामले में पेश नहीं होने के बाद कुलकर्णी को भगोड़ा घोषित कर दिया। उल्लेखनीय कि कुलकर्णी को 2 साल पहले मादक द्रव्य कारोबारी विक्की गोस्वामी से जुड़े इस मामले में मुख्य आरोपी बनाया गया था। पुलिस ने दावा किया था कि वह मादक पदार्थ कारोबार की अवैध गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी। ठाणे पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने उस समय कहा था कि पुलिस कुलकर्णी और गोस्वामी के प्रत्यर्पण की कोशिश में लगी है। बताया जाता है कि कुलकर्णी और गोस्वामी के बीच रिश्ता है और वे इस समय अफ्रीका में केन्या में रह रहे हैं। पिछले साल 6 जून को ठाणे अदालत ने गोस्वामी और कुलकर्णी को भगोड़ा घोषित कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने अदालत से अभिनेत्री की संपत्तियों को कुर्क करने की अपील की थी। पुलिस ने अप्रैल 2016 में महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में स्थित एवान लाइफ साइंसेज लिमिटेड के परिसर में छापेमारी की थी, जिसमें करीब 2000 करोड़ रुपये के मूल्य वाली 18.5 टन इंफेंटिन जब्त की गई थी, जिसके बाद इस मादक पदार्थ गिरोह का भंडाफोड़ हुआ था।